अजमेर शरीफ की दरगाह। कहा जाता है कि अजमेर शरीफ की दरगाह में आप जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। ये दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं। वो एक इमाम थे जो दक्षिण एशिया के इस्लामिक विद्वान और दार्शनिक रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में उन्होंने सूफियों को चिश्ती आदेश के परिचय व स्थापना में अपना जीवन व्यतीत किया था। प्रारंभिक आध्यात्मिक कड़ी अथवा भारत में चिश्ती सिलसिला को समाविष्ट करने में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंजा शाकर, निजामुद्दीन औलिया, ये सभी पहले सफलतम अनुयायियों में शामिल हैं। ये भारतीय इतिहास के महान सूफी संतों में से एक हैं। बहुत से मुगल बादशाह भी चिश्ती को मानते थे। तो दोस्तों आइए जानते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती की निजी जिंदगी। कहा जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 CE में अफगानिस्तान और ईरान के बीच चिश्ती शहर में हुआ था। उनके माता और पिता का देहांत हो गया जब वे सिर्फ 15 वर्ष के थे। मोहम्मद सैयद के वंशज को विरासत में फलों का बगीचा और पवन चक्की मिली थी। अपने बचपन में चिश्ती अन्य बच्चों से अलग थे। वे फकीरों की संगत, प्रार्थना और ध्यान में अपने आप को व्यस्त रखते थे। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति बेच दी व उससे प्राप्त धन गरीबों में बांट दिया। सब कुछ त्याग कर वे बुखारा गए और उच्च ज्ञान प्राप्त किया। उस्मान हारूनी के मोइनुद्दीन चिश्ती मुरीद बन गए। गुरु के साथ रहकर धर्म की शिक्षा ली, मुस्लिम रीति रिवाज व धर्म के बारे में जानकारी हासिल की।